हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही यूजफुल होने वाला है और आज मैं आपको फैशन से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत काम में आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ईयरिंग से रिलेटेड बहुत सारे हैक्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास ये पुराने से ईयरिंग्स पड़े हुए हैं और फिलहाल ये पुराने नहीं है, ये वाले मेरे अच्छे ईयरिंग्स हैं। ये अमेरिकन डायमंड्स ईयरिंग है। चूँकि बहुत ही होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम जब भी ऐसे कोई जर्किंग नग वाली कोई भी चीज़ लेते हैं स्टोन वाली, तो इनके एक भी छोटा सा भी स्टोन गिर जाता है ना, तो ये बहुत ऑड लगने लगते हैं। तो इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिए, ये जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होती है इसका एक कोट अपने नेल पेंट पर लगा दीजिए। इसी तरीके के हमारे बैंगल्स वगैरह, नेकलेसेस वगैरह होते हैं तो उन पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ दूसरा हैक्स। तो दूसरा हैक्स है, यहाँ पर मेरे इस तरीके की ईयरिंग्स हैं, ठीक है। तो वैसे तो ईयरिंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी मुझे ना एक ब्लू कलर की ड्रेस पहननी है, तो मुझे उसके लिए तो इसके जो डायल पर जो बीच वाला पार्ट था उस पर मैंने ब्लू कलर की नेल पेंट लगा दी है। तो देखिए इस तरीके से इसका लुक चेंज हो गया है। लेकिन मैंने जब इनको एक बार ट्राई किया ना, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, मतलब कि थोड़ा सा और कलर करना चाहिए, थोड़ा और ब्लू टच देना चाहिए। तो मैंने इनके जो साइड पर जो मिरर लगे हुए थे, मैंने उन पर भी इस तरीके से चार पर लगा दिया है। तो अब ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, तो इसी तरीके से मैंने दोनों रेडी कर लिए हैं और आप इसका फाइनल लुक भी देख सकते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत प्यारी लगी। तो आप इसी ये ड्रेसेस तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं, पर हमें अर्जेंट में कोई भी मैचिंग ईयरिंग पहनना हो तो नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके से अपनी कोई भी नेल पेंट वगैरह हो उससे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद कलर के ईयरिंग्स बनाकर पहन सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ एक हैक्स और है यहाँ पर, मैं आपको वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये वाले ईयरिंग्स मेरे बहुत पुराने हो गए हैं जो मुझे अब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो मुझे यहाँ पर मैं इनको ब्लैक कलर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं ब्लैक नेल पेंट का नहीं, बल्कि जो ब्लैक एक्रेलिक कलर होते हैं मैं उनका यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो भी पेंट के लिए यूज़ करते हैं उन्हीं ब्रश का मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने आधा पे पोर्शन पे कर लिया था, फिर जो नीचे जो स्टोन मोती से ये लटक रहे हैं तो मुझे इनको भी ब्लैक करना था, क्योंकि मुझे इनको पूरा टच ब्लैक ही देना है। तो मैंने इस तरीके से इस पर इसको रख लिया जैसे कि हमारे हाथ वगैरह गंदे ना हों, और ये इस तरीके से मूव होते रहेंगे तो हमें इसके जो चारों तरफ अच्छे से लग जाएगा। और इसी तरीके से बस हम इस पर लगा लेंगे और इसका भी फाइनल लुक बहुत अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से पलट कर मैंने यहाँ पर जो इसकी नॉक वगैरह जो भी थी, जंप रिंग वगैरह, मैंने सब पर लगा दिया है अच्छे से। और इसी तरीके से दोनों बनाकर रेडी कर लिए। इनको मैंने प्रॉपर टाइम दिया है सूखने के लिए, क्योंकि पेंट है थोड़ा सा टाइम लेगा सूखने के लिए, बट ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरीके से किसी भी टाइप के, किसी भी कलर के ईयरिंग्स इंस्टेंटली बना सकते हैं। और यहाँ पर आप इनका लुक भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगे। पर्सनली ब्लैक कलर तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो मुझे तो ब्लैक कलर की चीज़ें बहुत पसंद आती है। मेरे पास ड्रेसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक कलर के ही हैं, बट ईयरिंग्स नहीं थे ब्लैक, तो मैंने कहा चलो आज इनको ही ब्लैक ईयरिंग बना ही लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैक ईयरिंग्स बना लिए। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इस तरीके से अपने चॉइस के कोई भी कलर के ईयरिंग्स बना सकते हैं, और आप इनको इजी टू वॉश भी कर सकते हैं। जब भी आपको वॉश करना हो तो आप इनको धो दीजिए, और नेल पेंट वाले को आप थिनर से रिमूव कर सकते हैं, एंड देन उस पर आप कोई नेक्स्ट कलर की नेल पेंट या कलर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का है। पार्टी पे जाना होता है और हम जो लड़कियाँ हैं, लेडीज़ जो भी होते हैं वुमेन, तो वो क्या ना, हम डेली टू डेली हेयर वॉश नहीं करते हैं, आफ्टर 2-3 डेज ही हम अपना हेड वॉश करते हैं। तो हम थोड़े टाइम के बाद ही ना बाल थोड़े, अब इस टाइम हमारा स्वेट वगैरह काफ़ी होता है बिकॉज समर्स रनिंग ऑन, तो यहाँ पर हमारे में काफ़ी ऑयल वगैरह आ जाता है, स्वेट आ जाता है, तो बालों में ना एक चिपचिप सी हो जाती है। और ऐसे में अगर सडनली हमें कोई बोल देता है कि पार्टी में जाना है या किसी गैदरिंग में जाना है, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इस तरीके के फीजी बालों के साथ हम लोग कहीं पर भी नहीं जा सकते। और यहाँ पे हमारे बाल अच्छे खासे होते हैं, बट यहाँ पर जो हमारी स्कैल्प होती है वो काफ़ी ऑयली हो जाती है, स्वेटी हो जाती है, तो बिल्कुल भी कोई भी हेयर स्टाइल वगैरह ज़्यादा खास अच्छी बन नहीं पाती है।
और मतलब जब भी हमें कोई अचानक से सडनली बोलता है तो मतलब हम ऐसे ही मतलब ज़्यादातर बालों को ओपन करके ही जाना पसंद करते हैं। हाँ, तो बहुत मतलब ऑड लगता है इस तरह की चुपचुप बालों। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर एक टिप शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको ऐसे सडनली कहीं जाने का मौका मिलता है तो आप किस तरीके से अपने बालों को मतलब थोड़ा सा रफली बना सकते हैं, जैसे कि अभी ये चुपचुप जो है वो बेसिकली दूर कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने बालों को अच्छे से कॉम करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं अच्छे से कॉम कर रही हूँ क्योंकि हमें इसमें से अपनी स्कैल्प निकालनी पड़ेगी टेल की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने टेल कॉम ले लिया है और एक पोर्शन मैं इस तरीके से उठाऊँगी और यहाँ की जो स्कैल्प है, जो कि स्कैल्प से ही हमारा स्वेट वगैरह जो भी है वो इंक्रीज़ होता है, उसी की वजह से हमारे बाल चिपचिप हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं स्कैल्प पर हल्का सा टेलकम पाउडर, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, डालकर हल्का सा इसको मसाज कर रही हूँ, बिल्कुल रफली हाथों से, बिल्कुल है मतलब हल्के हाथों से ऐसी तरीके से 2-3 स्कैल्प निकाल कर मैं यहाँ पर कर रही हूँ और इसको अच्छे से मैं मर्ज कर दूंगी। हल्का सा देखिए मैंने टेलकम पाउडर डाला है और इसको अच्छे से मर्ज कर दिया है, मतलब बिल्कुल जो है एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए हमारे बाल और स्कैल्प में, पाउडर बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहना चाहिए। बस इस तरीके से हमें करना है और बस इसी तरीके से 3-4 पोर्शन में हम करेंगे और हमारे बाल बिल्कुल बाउंसी हो जाएंगे। आप यहाँ पर कंपेयर देख सकते हैं दोनों का, जो ये वाली साइड है इस पर मैंने पाउडर यूज़ किया है, तो देखिए कितने मतलब वैसे हो गए हैं और यहाँ पर देखिए अभी भी ऑयल और चिपचिप से हो रखे हैं बाल। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और कोई भी आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा आइडियाज़ पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।